डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने चुंबकशीलता के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोग तीन पार्ट में कैटेगराइज किए थे। पहला था हम लोगों को प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, और दूसरा था अनुचुंबकीय, और थर्ड था लॉस चुंबकीय। पता होगा ना, यानी कि हम लोग प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब आइए हम लोग एक टॉपिक्स को पढ़ते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ का क्या गुण है, इसके बारे में जानते हैं कि इसका आकर्षण बल कितना होता है। तो अब हम लोग टॉपिक देंगे उसके आगे, लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, एरो देंगे, इसमें लिखा जाए प्रकृति में पाए जाने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ का फर्स्ट एरो ऐसे लिखेंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले लौह चुंबकीय पदार्थ ठोस होते हैं, कौमा ये द्रव और गैस नहीं होते हैं, ये द्रव और गैस नहीं होते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में कि ये ठोस भी होते हैं, द्रव होते हैं और गैस भी होते हैं, यानी कि तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय के बारे में भी पता है, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं, तीनों रूपों में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर लौह चुंबकीय पदार्थ का बात किया जाए तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं प्रकृति में, वो सिर्फ और सिर्फ ठोस रूप में पाए जाते हैं, द्रव या गैस के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, द्रव या गैस के रूप में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ठोस के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? तो आप देख पा रहे होंगे कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, वो लौह चुंबकीय जो पदार्थ होता है वो ओनली ठोस पदार्थ, ठोस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन द्रव या गैस के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लिखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल का मतलब बहुत ही ज्यादा होता है। क्या लिखें? लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण बहुत ही प्रबल होता है। प्रबल का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई लौह चुंबकीय पदार्थ है, उसका अगर चुंबकीय क्षेत्र का बात करें तो उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ का दूसरा गुण है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो आकर्षण है वो बहुत ही प्रबल होता है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट एरो, लिखेंगे इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता एकांक से अधिक होता है, एकांक से अधिक होता है। जैसा कि जानते हैं आप पढ़े होंगे प्रतिचुंबकीय में कि इसमें जो चुंबकशीलता होता है दोस्तों, किसमें? प्रतिचुंबकीय के लिए इसमें एकांक से कम होता है। एकांक का मतलब वन यूनिट से अगर कम होगा तो वो होगा प्रतिचुंबकीय, अगर वन यूनिट से ज़्यादा होगा वो हो जाएगा हम लोगों का लौह चुंबकीय पदार्थ। यानी कि किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ का, किसी भी चुंबकीय पदार्थ का अगर चुंबकशीलता एक से ज़्यादा हो,
इसको हम लोग एकांक से अधिक भी बोलते हैं, तो हम लोग उसको अगर एकांक से ज़्यादा हो तो लौह चुंबकीय, अगर उसका चुंबक चलता एकांक से कम हो प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम लोग लिखें कि इसका चुंबक चलता क्या होता है, एकांक से अधिक होता है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, लौह चुंबकीय पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ में ताप की वृद्धि होने से, ताप की वृद्धि होने से चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित और जटिल होती है। अनियमित, अनियमित का मतलब उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, अनियमित और जटिल होती है। देखिए हम लोग क्या सीखे, आपको याद होगा कि प्रतिचुंबकीय में ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि प्रतिचुंबकीय में अगर आप ताप इंक्रीज करते हैं, ताप देते हैं, तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अणुचुंबकीय के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तापमान का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप का व्युत्क्रमानुपाती। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को ये बात पता चलेगा कि इसमें पहला वाला में हम लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा वाला में ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तीसरे वाले में क्या होता है, तो ताप अगर वृद्धि किया जाए तो इसका संरचना अनियमित हो जाता, जटिल, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अनियमित और जटिल होता है। तो इसमें थ्री टाइप्स का अलग अलग गुण होता है। पहला कि चुंबकीय ताप में परिवर्तन देते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये बात तो हम लोग पहले प्रतिचुंबकीय में भी पढ़े, और अणुचुंबकीय में क्या पढ़े कि वो ताप का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लौह चुंबकीय का, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा जाए इनमें शैथिल्य प्रदर्शित होता है, इनमें इनमें शैथिल्य प्रदर्शित, इनमें शैथिल्य प्रदर्शित होता है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, तो शैथिल्य प्रदर्शित होता है। शैथिल्य का मतलब कॉम्प्रेशन का गुण, सिकुड़ने का गुण, इनमें शैथिल्य प्रदर्शित होता है। यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ में ये गुण पाया जाता है कि ये शैथिल्य हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इनकी पहचान हेतु कुछ प्रयोग करेंगे कि आखिर कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय है और कौन सा अणुचुंबकीय और कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसका पहचान हेतु हम लोग कुछ ना कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब टॉपिक्स बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, कॉमा अनुचुंबकीय, कॉमा लौह चुंबकीय पदार्थों की पहचान हेतु सरल प्रयोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को अगर पहचान करना है तो हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब कुछ एक्सपेरिमेंट क्या क्या करना होगा जरा देखते हैं।
तो हम लोगों को सबसे पहला कि कौन प्रतिचुंबकीय है और कौन अणुचुंबकीय और कौन लौह चुंबकीय, इसको पहचान के लिए हम लोगों को कुछ ना प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब जो हम लोग प्रयोग करेंगे ना वो कुछ इस तरीके से है कि चलिए तो पहले समझ लेते हैं। अगर दोस्तों जैसे मान लिया कि हाई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे बहुत विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हाई है, ठीक है, और इसी विद्युत क्षेत्र में जब करंट पास कराया जाता है, क्या पास करते हैं हम लोग, करंट। तो जब इसमें करंट पास करते हैं तो इसमें जो चुंबक होता है, जो इसमें चुंबक होता है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर मुड़ता है तो ये हम लोगों को प्रतिचुंबकीय होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर दोस्तों अगर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, अब इसमें जब करंट पास किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हाई मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चुंबक को रखने पर, ध्यान दीजिए, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वो शीघ्रता से धीरे 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 समांतर हो जाता है। यानी अगर बात किया जाए तो अगर घूम जाए, ये मान लिया जाए हम लोगों को चुंबकीय पदार्थ है, अगर धीरे धीरे घूमकर और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो ये हम लोगों को अनुचुंबकीय, सॉरी हाँ अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को तीनों स्थिति में दिया गया है, और इसमें अगर करंट प्रवाहित किया जाए तो यही चुंबक शीघ्र का मतलब जल्दी ही, अचानक ही अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है तो लौह चुंबकीय कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे इसका सरल प्रयोग करेंगे कि कौन प्रतिचुंबकीय है कौन अनुचुंबकीय है। तो सबसे पहले आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड लेना होगा, चुंबकीय क्षेत्र, और जिसको हम लोगों को चेक करना होगा उस चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखना पड़ेगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र आप कैसे भी उत्पन्न कर सकते हैं, या तो करंट देकर, क्योंकि करंट से भी तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। तो आप जो है इसका यूज करने के लिए, सॉरी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चुंबकीय पदार्थ को यहाँ पे रखेंगे, अगर वो लंबवत मुड़ेगा तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। अगर वो समांतर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, अनुचुंबकीय। लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय पदार्थ को रखेंगे वो तुरंत शीघ्र यानी कि अचानक वो समांतर की दिशा में आ जाएगा, तब हम लोग उसको लौह चुंबकीय बोलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लंबवत हो जाए, प्रतिचुंबकीय। अगर वो घूमकर समांतर हो जाए, समांतर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, तब वो अनुचुंबकीय। अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो लेकिन तुरंत शीघ्र ही समांतर हो जाए, जैसे हम लोग इसको रखें तिरछाई रखें तुरंत फट से समांतर हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे लौह चुंबकीय। तो चलिए ये फिगर बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग एरो देंगे, लिखेंगे जब दिया गया ठोस पदार्थ, जब दिया गया ठोस पदार्थ एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो, एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो,
निम्नलिखित तीन अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती है जिससे यह पता चलता है कि जिससे यह पता चलता है कि कौन प्रतिचुंबकीय, कौमा अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय है। अब पहला में लिखेंगे, निम्नलिखित में कौन कौन सा, तो नीचे का पहला, ठीक है, पहला, यदि छड़ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो, यदि छड़ घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय होगा। फिर लिखा जाए दूसरा, दूसरा का मतलब बी, ठीक है, बी वाले में, यदि छड़ धीरे धीरे घूमकर, यदि छड़ धीरे धीरे घूमकर धीरे धीरे घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर हो जाए तो, समांतर हो जाए तो वह अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, वह अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। वह अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। तीसरा लिखेंगे, यदि छड़ शीघ्रता से घूमकर, यदि छड़ शीघ्रता से घूमकर यदि छड़ शीघ्रता से घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो वह लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय का पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग किसी भी ठोस चुंबकीय पदार्थ को, हम लोगों को चेक करना होगा तो उसको कहाँ रखना होगा, हाईली बहुत प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखना होगा। और वहाँ पे रखेंगे अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाए प्रतिचुंबकीय, अगर वो धीरे धीरे घूमता हो, देखिए ये दोनों में ही चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो रहा है, समांतर घूम जा रहा है चुंबकीय पदार्थ, लेकिन अगर जिसमें धीरे धीरे घूमकर हो समांतर, दैट इज अनुचुंबकीय, अगर उस जल्दी शीघ्रता से घूमे तो दैट इज लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो हम लोग तीनों को पहचानने का कुछ नियम भी पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे शैथिल्य के बारे में कि चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है। तो टॉपिक देंगे चुंबकीय शैथिल्य।
शैथिल्य का मतलब होता है कॉम्प्रेशन, लेकिन कॉम्प्रेशन के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है चुंबकीय में जिसको हम लोग शैथिल्य की कैटेगरीज में शामिल करते हैं। तो अब टॉपिक दिया जाए चुंबकीय शैथिल्य, लिखेंगे चुंबकीय शैथिल्य का नीचे फर्स्ट फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे लिखा जाए चुंबकीय तीव्रता एच के सापेक्ष, चुंबकीय तीव्रता को एच से सूचित करते हैं, चुंबकीय तीव्रता एच कैपिटल एच के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र बी में संबंध को एक वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, एक वक्र द्वारा दर्शाया जाता है जिसे बी एच वक्र कहा जाता है। बी एच वक्र, देखिए अब इसमें पहला पॉइंट लिखें कि बी एच वक्र किसको कहते हैं। तो B मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र और H मतलब होता है चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र को एक इसके बीच संबंध को दिखाने के लिए एक वक्र में दिखाया जाता है, ग्राफ में एक वक्र की सहायता से दिखाया जाता है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा लाइन, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा लाइन को वक्र रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही पढ़े कि बी एच वक्र किसको कहते हैं। तो चुंबकीय तीव्रता एच में चुंबकीय तीव्रता एच के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र बी में जो संबंध हम लोग वक्र की सहायता से दिखलाते हैं वो कहलाता है हम लोगों को बी एच वक्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी एच वक्र किसको कहते हैं, तो बी और एच में जो संबंध दिखाया जाता है उसी को हम लोग बी एच वक्र कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा डायग्राम देख लेंगे। तो ये हम लोगों का ना वाई एक्सिस होता है, आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा, उसके नीचे ये चुंबकीय शैथिल्य वाले टॉपिक्स में है। ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों का चुंबकीय तीव्रता है, ठीक है, एच, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लोगों का चुंबकीय क्षेत्र है बी, ठीक है। अब इस ग्राफ में हम लोग जो है दिखाएंगे किसको, तो बी एच वक्र को। बी एच वक्र कैसा होता है, तो यहाँ पे एक बिंदु होता है ए, एक बिंदु होता है ए, और उसके बाद नीचे होता है एक बिंदु, सपोज दैट डी, कुछ भी मान सकते हैं, एक बिंदु ए हुआ एक बिंदु डी हुआ। अब ए से डी में जो पहुंचना है हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों को साथ एक साथ कट करते हुए पहुंचना है, तभी तो वक्र बनेगा, यानी कि ऐसे। और एक पोजीशन तो ये हुआ कि एक्स इसको इसको कट करते हुए पहुंचा वक्र के रूप में, और फिर ऐसे पहुंचेंगे, और यहाँ ओरिजिन से जब इसको मिलाएंगे तो हम लोगों को यही वक्र कहलाता है। जिसको अच्छा से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, ठीक है, और ये हम लोगों का सेंटर होता है ओ। तो ये जो वक्र हम लोगों को मिल रहा है यही हम लोगों को कहलाता है क्या, बी एच वक्र। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सब अक्ष को किस किस पॉइंट पे काटा, तो यहाँ ए है, इसको इस पॉइंट का नाम दे देंगे बी, जो वाई एच को काटा है ऊपर पॉजिटिव में, एक्स के निगेटिव में काटा सी, ये बिंदु डी था और इसको काट दिया ई पे एंड इसको एफ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को यह एक बी एच वक्र प्राप्त होता है। तो अगर कोई बी एच वक्र खींचने के लिए बोले हम लोग इस तरीके से उसका बी एच वक्र खींच देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का बी एच वक्र है। चलिए अब हम लोग उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, ग्राफ के नीचे, ग्राफ जो बनाया ना उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए
चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता यानी कि कैपिटल एच के शून्य हो जाने पर, चुंबकीय तीव्रता एच के शून्य हो जाने पर पदार्थ में बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ में बचा हुआ चुंबकीय क्षेत्र को अवशिष्ट चुंबक या धारणशीलता कहते हैं। अवशिष्ट चुंबक या धारणशीलता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि धारणशीलता किसको कहते हैं। किसी भी चुंबक का अवशिष्ट चुंबक या धारणशीलता क्या कहता है, तो हम लोग अभी पढ़े कि बी एच वक्र में दोस्तों किसी कंडीशन में एच जो है जीरो हो गया, मतलब चुंबकीय तीव्रता खत्म हो गया, लेकिन फिर भी चुंबकीय क्षेत्र के गुण पाया जाता। ध्यान दीजिए, अगर चुंबकीय तीव्रता जीरो हो जाए लेकिन फिर भी चुंबकीय क्षेत्र का कुछ मात्रा प्राप्त होता है, हमें मालूम पड़ता है, वहाँ पे मौजूद होता है, इसी ऐसे चुंबक को अवशिष्ट चुंबक कहते हैं या फिर उसका धारणशीलता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट एरो लिखेंगे, अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए, अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए कुछ चुंबकीय तीव्रता की आवश्यकता होता है, कुछ चुंबकीय तीव्रता की आवश्यकता होता है जिसे जिसे निग्राहिता कहते हैं, जिसे निग्राहिता कहते हैं। देखिए अब निग्राहिता किसको कहते हैं, जरा बात को समझिए, हम लोग निग्राहिता का मतलब क्या समझते हैं। तो दोस्तों निग्राहिता का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी अवशिष्ट चुंबक को हम लोग अवशिष्ट चुंबक किसको कहते हैं, अगर चुंबकीय तीव्रता एच जो है जीरो हो जाए अवशिष्ट चुंबक, लेकिन अवशिष्ट चुंबक को भी खत्म करने के लिए पुनः हम लोगों को एच का यूज किया जाता है, यानी कि अवशिष्ट चुंबक, तो हम अवशिष्ट चुंबक किसको कहते हैं, तो चुंबकीय तीव्रता अगर जीरो हो गया फिर भी चुंबकीय क्षेत्र का कुछ मान रह जाता है बी एच वक्र में, इसी को हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक। लेकिन अवशिष्ट चुंबक को भी अगर हमें समाप्त करना होगा तो फिर भी हमको एच की कुछ मात्रा की आवश्यकता होगा, जिसको हम लोग निग्राहिता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एरो लिखेंगे, नेक्स्ट एरो में बी तथा एच के संबंध में, एरो देकर लिखेंगे, बी तथा एच के संबंध में एक ऐसा वक्र जो किसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन चक्र को, प्रदर्शित करता है, उसे उसे शैथिल्य लूप कहते हैं, शैथिल्य लूप कहते हैं। देखिए अब शैथिल्य लूप किसको कहते हैं, यहाँ बात समझिए, शैथिल्य लूप कहते किसको हैं, तो शैथिल्य लूप किसको कहते हैं, तो बी एच के संबंध में, बी और एच में जो संबंध दिखाया जाता है वो बी एच वक्र के साथ दिखाया जाता है, तो बी एच वक्र में जो हम लोगों को यहाँ पे एक क्या मिला,
लूप, लूप का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा होना। तो ये एक वक्र लाइन से लूप बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ ए, है ना। तो यह एक लूप बन रहा है, ए बी सी डी ई एफ ए, एक लूप बना चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे उसी को हम लोग शैथिल्य लूप कहेंगे। शैथिल्य का मतलब होता है कंप्रेश, यानी कि सिकुड़ने का गुण। तो यहाँ पे ये वक्र यही प्रदर्शित करता है कि इसमें शैथिल्यता पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे लिख देंगे इसके नीचे, जैसे ए बी सी डी ई एफ ए शैथिल्य लूप प्रदर्शित कर रहा है, शैथिल लूप प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि इस फिगर में ए बी सी डी क्या है, शैथिल्य लूप प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग यही शैथिल्य लूप होता है। अच्छा, चुंबकीय शैथिल्य के बारे में तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक लिखेंगे, लिखा जाए शैथिल्य लूप ए बी सी डी ई एफ ए से स्पष्ट है कि, इसमें लिखेंगे एरो देकर, शैथिल्य लूप ए बी सी डी ई एफ ए से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हमेशा हमेशा चुंबकीय तीव्रता से, चुंबकीय तीव्रता से पिछड़ा रहता है, पिछड़ा रहता है, इसे चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं, इसे चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। देखिए इसमें बात क्या बोल रहे हैं ना, कि जो बीएच वक्र में हम लोगों को शैथिल्य लूप मिला है ए बी सी डी ई एफ ए, इस लूप को जरा अच्छे से आप देख पा रहे हो, तो इस लूप में हमको देखने से क्या पता चल रहा है कि ये जो लूप है ना, ये जो लूप है इसमें बी का जो वैल्यू है हमेशा एच से जो है पिछड़ा हुआ रह रहा है, यानी कि बी का वैल्यू तो ऊपर है, एच का वैल्यू इधर है, तो बी का वैल्यू हमेशा कम पाया जा रहा है, किस से, एच से। इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए अब किसी, जब आप मैटर के बीज को देखते होंगे तो उसके उसके ऊपर सरफेस जो है सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई पार्ट दूसरे पार्ट से कमज़ोर पड़ जाता है, देन वो कंप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे बात उसी तरीके का है कि हम लोग बी एच वक्र में बी का जो मान है वो एच से हमेशा पिछड़ा हुआ रह रहा है इस ग्राफ में, इसी को हम लोग चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। तो कुल मिलाकर अब हम लोग चुंबकीय शैथिल्य को देखेंगे, देखें यहाँ पे कि चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है, बी एच वक्र किसको कहते हैं, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा डेफिनेशन के, धारणशीलता किसको कहते हैं, निग्राहिता किसको कहते हैं, शैथिल्य लूप किसे कहते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, फिर पढ़ते हैं अगले क्लास तक के लिए। धन्यवाद।